हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल फंडामेंटल इन्वेस्टर। इस चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम टाटा स्टील लिमिटेड के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत से लोगों की मुझे कंटिन्यूसली इस पे क्वेश्चंस आ रहे थे कि भाई इसको क्या हम लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म या फिर इंट्राडे के लिए पकड़ सकते हैं क्या कल के लिए। तो दोस्तों, इसके पूरे के तीनों के तीनों के आंसर्स मैं इस वीडियो में दे दूंगा। और सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस शेयर में बहुत भारी यहाँ पे एक कह सकते हैं कि बुल रन आने वाला है। लगभग उसके रीजंस आप सभी को पता है, इंडिया का एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा हो चुका है इस साल में और चाइना से कोई भी स्टील ज़्यादा से ज़्यादा नहीं खरीद पा रहा। फिर भी चाइना ने लगभग पे ऑफ किए, लगभग 50% ऑफ पे ऑफ किया हुआ है। सो उसके बारे में तो बाद में बात करेंगे, पहले कंपनी के कुछ चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। क्यों ये शेयर मैं रिकमेंडेड कर रहा हूँ, आप सभी को पता है मैं कोई भी अगर शेयर रिकमेंडेड करता हूँ तो वो एक स्पेसिफिक रीज़न होता है उसके पीछे। तो वो रीज़न क्या है और ये शेयर के टारगेट क्या होंगे, स्टॉप लॉस क्या होगा, सब मैं बताऊंगा। पहले अगर देखा जाए तो इस शेयर का लगभग शेयर का प्राइस 1158 है और आज के दिन में 22 पॉइंट्स अप हो चुका है, 1.98% अप है। और अगर देखा जाए 6 मंथ डाटा तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ बहुत बड़ा बदलाव नहीं दिखाई दे रहा। बट स्टिल यहाँ से अगर नीचे जाएंगे बॉटम में तो 600 रुपये के आसपास शेयर था और वहाँ से लगभग 1200 के नज़दीक में पहुँच चुका है। मतलब लगभग 6 महीनों में इस शेयर ने 100% तक के रिटर्न जनरेट करके दिए हुए हैं। सो अभी पैसे देखो, 100% इज़ नॉट अ बिग डील, क्योंकि अभी जो बुल रन चल रहा है, जैसे कि हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर मैंने इतने सारे शेयर्स बताए। अगर आपको ज्वाइन होना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं। तो बहुत सारे शेयर, जैसे कि हमारे वीकली शेयर्स एक दिन में कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट के साथ 24% है और अभी 4 दिन बचे हुए हैं अभी अगला सैटरडे आने तक। तो उसके पहले तो मुझे लगता है आराम से 50-70% क्रॉस कर जाएंगे। और हमारा जो एक शेयर हमने रिकमेंडेड किया हुआ था APCL, वो भी लगभग 100% रिटर्न जनरेट करके दिया 2 महीनों में। और लगभग हमारा BA Pack जो कि अपना रिकमेंडेड किया था 3 महीने पहले लगभग 23 रुपीज़ पे, वहाँ से वो लगभग 97 रुपीज़ का आज का उसका क्लोजिंग रहा है। सो लगभग 400-300% तक के रिटर्न सभी शेयर दे रहे हैं, बट यहाँ पे इस शेयर ने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया। सो लेट्स टॉक अबाउट कि कंपनी और कितनी बढ़ सकती है, क्योंकि जो कंटिन्यूसली शेयर की प्राइजेस अप हो रही है उसके बारे में भी बात करनी है। तो चलिए देखते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें और नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पे ज्वाइन हो जाइएगा ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट्स मार्केट से कमाने को मिल सके। दोस्तों तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं टाटा स्टील एशिया फर्स्ट इंटीग्रेटेड प्राइवेट स्टील कंपनी सेटअप इन 1907, मतलब 1907 में ये कंपनी का सेटअप हुआ है और बहुत पुरानी और पहली स्टील की कंपनी एशिया है, ना कि इंडिया में, पूरे एशिया में पहली स्टील की कंपनी बनी थी। और बाकी आप यहाँ पे की पॉइंट्स देख सकते हैं स्क्रीन पर जाके, बहुत बड़ा हो जाएगा अगर मैं इसके की पॉइंट्स पे बताते बैठूंगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट कैप लगभग कंपनी का 1,39,107 करोड़ है, करंट प्राइस लगभग 1,157 रुपये और यहाँ पे देख सकते हैं हाई एंड लो लगभग 328 रुपये से 1,200 रुपये, मतलब यहाँ पे भी कंपनी लगभग 300% तक के रिटर्न जनरेट करके दिए हुए हैं। नॉट अ बिग डील। अगर बात करेंगे कंपनी के आगे की सेगमेंट की तो यहाँ पे देख सकते हैं लगभग स्टॉक P17 का है, जो कि बताता है कि कंपनी का वैल्यूएशन बहुत अभी बाकी है, मतलब बहुत ज़्यादा भी ओवर वैल्यूड नहीं है, बहुत ज़्यादा भी अंडर वैल्यूड नहीं है, स्टेबल है बीच में। जो भी कीमत है कंपनी की, बुक वैल्यू कंपनी का 611 रुपये का, डिविडेंड यील्ड कंपनी का 2 पॉइंट का है। तो यहाँ पे 2 पॉइंट देखिए, कुछ भी हो जाए आप हमको पॉइंट्स मिल रहे वो इम्पोर्टेंट है। अभी अगर फ्री कैश फ्लो के बारे में बात किया जाए तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं 37,793 करोड़ का इनके पास फ्री कैश फ्लो है। मतलब कुछ भी अगर इनको प्रोजेक्ट नया बनाना पड़ेगा या फिर कुछ भी करना है कंपनी को, बिजनेस एक्सपांड करना है या फिर कुछ भी करना है, तो इनको कम से कम डेब्ट उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। उनके पास एक अच्छा खासा फंड है और वो उसको यूज़ करके अपने कंपनी के बिजनेस बढ़ा सकते हैं और उससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट एक्युमुलेट कर सकते हैं। सो दोस्तों अगर बात करेंगे यहाँ पे, जो कि मुझे यहाँ पे थोड़ा सा गलत लगा, वो है कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग्स। सो एज यू कैन सी देयर इज अ प्रमोटर होल्डिंग विद 34% एंड विद प्लेज 1.55%। सो ये दोनों चीज़ें अच्छी नहीं है, क्योंकि कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग बहुत कम है वो अच्छी बात नहीं है, और कंपनी ने प्लेज रखा है, बहुत छोटा प्लेज है बट स्टिल है। सो अगर बात करेंगे कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ की तो एज यू कैन सी हेयर लगभग 404% का ग्रोथ है और बहुत अच्छा है, क्योंकि कंपनी ग्रोथ ही कंपनी की, मतलब आदमी क्या कहते हैं ना कि भाई आदमी को बढ़ना या फिर ऊपर उठना ही उसकी ज़िंदा होने का सबूत होता है। मतलब वो अगर कुछ भी ना करे, पड़े रहे घर पे एक जन्म, तो वो मरा हुआ आदमी मतलब मरा है समाज के लिए, वो कुछ चीज़ का काम नहीं है। जब तक वो कुछ करेगा नहीं तब तक वो मरा हुआ ही है, किसी के लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर वो मर जाए या फिर कुछ भी हो जाए।
तो कुछ करो, आगे बढ़ो, तभी कुछ हो पाएगा। अभी देखो दोस्तों, बुक वैल्यू कंपनी का जो है वो बहुत अच्छा है। सो लेट्स टॉक अबाउट द ईपीएस, अर्निंग पर शेयर यहाँ पे 62 का है और बहुत ही अंडर वैल्यूड शेयर यहाँ पे मुझे लगता है। और इनका एक और सेकंड कंपनी है जिसका शेयर का प्राइस लगभग 3000 से भी ज़्यादा है, उसका बुक वैल्यू 87 का है, जो कि है TCS का। सो यहाँ पे बहुत क्लोज है दोनों, और कंपनी का इसका प्राइस, शेयर प्राइस और उसका शेयर प्राइस में बहुत फ़र्क है, तो हमें यहाँ पे और भी ग्रोथ यहाँ पे मिल सकती है इस कंपनी से इजी। नंबर्स ऑफ इक्विटी शेयर 120 करोड़, जो कि मुझे अच्छे नहीं लगते, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा इक्विटी शेयर्स कंपनी के लिए अच्छे नहीं होते। बट क्या है ना कि इसको इतने रखने पड़ेंगे, क्योंकि आज की कंपनी नहीं है, लगभग 1907 में अगर कंपनी आई है तो तब से अभी तक बोनस एंड स्प्लिट एंड ऑल करके इनके तो इतने शेयर्स होने ही थे। डेब्ट कंपनी के पास लगभग 88 करोड़ का है और लगभग उस पर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं लगभग 7607 करोड़ का, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे कंपनी के पास डेब्ट भी है और उस पे भी कर रहे हैं ठीक ठाक। सो अगर आगे बढ़ेंगे और कंपनी के रिजल्ट देखे जाएंगे, वो भी ईयर ऑन ईयर, क्योंकि हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखते हैं कंस्टेंटली, उसका तो वीडियो डालते रहता हूँ मैं। सो कंपनी के मार्जिन्स बढ़े, वो सबसे बड़ी इनके लिए अचीवमेंट है, जो कि 18 से 12 हो गए तो वापस 19 हो गए, जो सबसे बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि जो स्टील सेक्टर में कॉम्पिटिशन है वो बहुत ही खतरनाक कॉम्पिटिशन है। लोग 1-1%, 2-2% के लिए भी मरे जाते थे, और अभी लगभग 19% तक के इनके लिए रिटर्न्स ऑपरेटिंग मार्जिन्स बन रहे। सो ये बहुत अच्छी बात है। तो अगर देखा जाए कंपनी के पिछले साल के लॉस के बारे में, तो यहाँ पे देख सकते हैं 1380 करोड़, वहाँ से अगर प्रॉफिट गिने जाए तो 13000 करोड़ का इनको इस साल में प्रॉफिट हुआ है। ये बहुत बड़ी ग्रोथ है, और मुझे लगता है कि कंपनी अगर कंस्टेंटली इतना ही ग्रोथ करती जाए तो और अच्छी है। पर 3-4 सालों के पहले के भी इनके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखे जाए, तो यहाँ पे देख सकते हैं लगभग 13000 से 10000 से 1000, ये जो डाउन ग्रोथ थी, इसके बीच में कंपनी के शेयर की प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं टूटी, बहुत मिनिमम टूटी, बहुत ज़्यादा नहीं टूटी। उसके बाद जो 7490 करोड़ का प्रॉफिट कमाया, और 360 रुपये के आसपास से लगभग 1100-1200 रुपये, 1280 के आसपास का ऑल टाइम हाई बनाया हुआ है। तो मुझे लगता है कंपनी में और भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा आएगा, अच्छा खासा बूम आएगा, और मुझे लगता है कि और थोड़े दिन जाने हैं, बाकी कुछ नहीं। और अगर देखी जाए मेन सीन यहाँ पे क्या है, तो कंपनी के पास लगभग शेयर कैपिटल भी अच्छा खासा है और रिजर्व्स भी अच्छे खासे हैं। रिजर्व्स कंस्टेंटली बढ़ते जा रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं लगभग आज से नहीं बट कंटिन्यूसली 41000 करोड़ से लगभग अभी 72000 करोड़ तक इन्होंने अपने रिजर्व्स बनाए। बीच बीच में इनके रिजर्व्स बहुत कम हुए करते थे, क्योंकि स्टेबिलिटी नहीं थी बिजनेस में। और अगर देखी जाए तो यहाँ पे 41000 से 32000, 39000, फिर 30000, फिर 40000, फिर 34000, जो स्टेबिलिटी नहीं थी, आगे नीचे होते थे। पर क्या है ना, जो बैलेंस शीट में जो ग्रोथ है ना, वो असेट में कंस्टेंटली ऐसी चाहिए और लाइबिलिटी में कंस्टेंटली ऐसे चाहिए, सो ही आपकी कंपनी के शेयर की प्राइस कंस्टेंटली अपसाइड यहाँ पे जा सकती है। करेक्शन आएंगे वो तो मतलब होना ही है, करेक्शन तो आते हैं हर कंपनी में। सो अगर बात की जाए बोरोइंग को, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बोरोइंग भी कंपनी ने कम किया है, 1,83,803 करोड़ से 88000 करोड़ तक का यहाँ पे बोरोइंग कम किया है। पिछले साल ही कंपनी का लगभग 1,16,16,000 करोड़ का बोरोइंग था, वहाँ से कंपनी ने 88000 करोड़ का बोरोइंग कम किया, मतलब यहाँ पे 12 और 16, 28000 करोड़ का यहाँ पे बोरोइंग इन्होंने डाउन किया हुआ है विद अ प्रॉफिट ऑफ 7000 करोड़। तो आप यहाँ पे सोच सकते हैं कंपनी के पास एक अच्छा मतलब स्ट्रेंथ है बोरोइंग कम करने का। बट यहाँ पे नीचे अगर जाएंगे और चीज़ें को चेक करेंगे, तो भी और कुछ चीज़ें पता चलती है जो कि अच्छी है कंपनी के लिए, जैसे कि कुछ बुरी भी है। नाउ अगर बात करेंगे फिक्स असेट्स की, तो इन्होंने अच्छा खासा फिक्स असेट तो कोई बढ़ाया नहीं, 1000 करोड़ तक का बढ़ाया है। और यहाँ पे देखा जाए तो कंपनी का जो CWIP है वो भी लगभग एक बढ़ चुका है, ठीक है। और कंपनी के इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बात करेंगे, तो इन्वेस्टमेंट्स के बारे में भी देख सकते हैं लगभग 6285 करोड़ और 10682 करोड़। सॉरी दोस्तों, CWIP जो है वो डाउन है 400 करोड़ से, 490 करोड़ पकड़ लीजिए, बट इट्स नॉट बिग डील, क्योंकि जिसका मार्केट कैप 1,00,000 करोड़ से भी ऊपर है उसके लिए ये बहुत छोटा अमाउंट हो सकता है। सो दोस्तों अगर बात करेंगे कंपनी के मेन चीज़ के बारे में, जिसकी वजह से इनके रिजर्व्स बढ़ रहे और बोरोइंग कम हो रहे, वो है इनका लगभग अदर असेट्स। 7000 करोड़ से इन्होंने 7000 करोड़ का ही प्रॉफिट है, वो एक मिनिमम प्रॉफिट है अगेंस्ट इनके बोरोइंग के, क्योंकि बोरोइंग जो है वो 88000 करोड़ की, और प्रॉफिट सिर्फ 7 करोड़ का है, जो कि होता है 1/10 होता है, ठीक है दोस्तों। सो यहाँ पे 1/10 में इन्होंने बोरोइंग कम कर करके कितने करनी थी, पर यहाँ पे इन्होंने अदर असेट जो है वो लगभग 10000 करोड़ के कम किए, बोरोइंग कम की और रिजर्व्स भी बढ़ाए, पर यहाँ पे बोरोइंग इनको नहीं, अपना जो सॉरी अदर असेट्स जो थे इन्होंने नहीं बेचने चाहिए थे, क्योंकि अदर असेट्स बेचना कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वो असेट से ही हमें रिटर्न आने वाले, कंपनी का पैसा असेट से ही बनता है।
तो अगर आपको इसको ख़रीदना है तो शांति रखिए, सब हो जाएगा। अगर आपको ख़रीदना है तो मेरे टारगेट्स इसके लिए 1500 रुपये के हैं, ईजी क्रॉस करेंगे, बस थोड़ा पेशेंस रखना है, जैसे कि हम बाकी शेयर्स में रखते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है कल की वीडियो में, तब तक के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूले, और नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पे ज्वाइन हो जाइएगा दोस्तों।